प्रदेश में करीब 6 माह से निगम मंडल प्राधिकरणों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की राह देख रहे नेताओं की जल्द ही लॉटरी लगने वाली है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान ने राजनीतिक नियुक्तियों के लिए हरी झंडी दे दी है। साथ ही कहा गया है कि निष्ठावान वरिष्ठ नेताओं को निगम मंडल और प्राधिकरणों में पदस्थ किया जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में निगम मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्ति का खाका तैयार। बीजेपी हाईकमान ने नियुक्ति को लेकर दी हरी झंडी। बीजेपी के निष्ठावान सिपाहियों की होगी नियुक्ति। एमपी के नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू, हर किसी को बेसब्री से इंतजार। लोकसभा चुनाव के बाद से निगम मंडलों में अपनी ताजपोशी का इंतजार कर रहे नेताओं की उम्मीद जल्द पूरी हो सकती है। पार्टी हाईकमान ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से चर्चा कर चुके हैं। वहीं निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर प्रदेश भर के भाजपा नेताओं ने भोपाल से लेकर दिल्ली सियासी दौड़ लगाना शुरू कर दिया। नियुक्ति के लिए सियासी चक्कर काटने वाले नेता अपने साथ अपनी उपलब्धियों के ब्योरे के साथ ही पूर्व में मिले आश्वासनों का पुलिंदा लेकर भी चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक निगम मंडलों में उन सीनियर नेताओं की नियुक्ति की जाएगी जो पार्टी में लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और उन्हें अब तक कोई बड़ा पद नहीं मिला है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके आनुषांगिक संगठनों से जुड़े नेताओं को भी तरजीह दी जाएगी। भाजपा ने इसके लिए संघ से भी 10 नाम मांगे हैं। वहीं प्रदेश संगठन भी अपनी सूची तैयार कर रहा है जिस पर मंथन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के समय किन्हीं कारणों से टिकट से वंचित कर दिए गए थे, पर उन्होंने बगावती तेवर न अपनाते हुए पार्टी द्वारा तय प्रत्याशी के पक्ष में पूरे मन से काम किया। ऐसे वरिष्ठ नेता निगम मंडलों एवं प्राधिकरणों में अपनी तैनाती चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से भाजपा में आए कई नेता भी दौड़ में शामिल हैं। इनमें से कुछ पूर्व विधायक एवं सांसद भी हैं जिन्हें भाजपा में शामिल तो कर लिया था लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई जवाबदारी नहीं दी गई थी। वह भी अब अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं और लोकसभा चुनाव में भाजपा को उन्होंने लाभ भी दिलाया है। इनमें छिंदवाड़ा के दीपक सक्सेना भी शामिल हैं। वह भी किसी प्राधिकरण में बड़े पद पर आसीन होना चाहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी भी नई पारी शुरू करने के इंतजार में हैं। दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा होने से पार्टी को नाम तय करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।